काफी हद तक पंजाब में नशा खत्म हो चुका है, ऐसी बातें सिर्फ मौजूदा सरकार कर रही है। सच तो यह है कि नशा अपनी जड़ें इतनी फैलाता जा रहा है कि उसे उखाड़ना बेहद मुश्किल होता जा रहा है। आइए आपको दिखाते हैं पंजाब में बढ़ते नशे की कुछ तस्वीरें। जो चिट्ठा खरीद कर लाया नौजवान फोन पर बात कर रहा है कि बड़े घर से चिट्ठा लेकर आया हूँ, शाम को मुझे मिला, खट्टे बैठेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ सफेद कपड़े पहनकर सड़क के किनारे बैठा ये शख्स, जिसको यह भी नहीं पता कि मुझे उठकर घर जाना है, क्योंकि उससे उठा ही नहीं जा रहा। तो वहीं इंजेक्शन लगाकर इस तरीके से गिरा पड़ा है एक युवक कि जैसे इसमें जान ही रहा हूँ, ये भगवान को प्यारा हो चुका है। जिस तरह ये वीडियो वायरल हो रही है, ये साडे ही ग्रुप के कुछ साडे वीर जो सेवा साडे नाल कर रहे ने, ओही बना रहे हैं, असी वीडियो बना रहे हैं, असी पुलिस प्रशासन नू भी दे रहे हैं वीडियो बना के। पर हुण असी ये वेखना चाहुंदे आ कि पुलिस कोई कार्रवाई करती आ कि नहीं, क्योंकि असी ते लोक भलाई समाज सेवा ग्रुप वालों ते अज आई टी बी पी दे सेंटर गौरमेंट वालों भी असी एक कदम नवा उपराला किया, एक नवा कदम चुकया आ। असी हुण ये वेखना चाहुंदे आ कि पुलिस भी साडे नाल उन्ना ही संजोग देंदी आ कि जिन्ना सेंटर गौरमेंट। हाँ जी, जिदा वेखो भी सारिया का कहना ना चाह, सानू पहला संजोग बहुत घट मिलया। डी एस पी रणधीर सिंह आ जिहड़ा थोड़ा बहुत संजोग देंदे सी, पर हुण अजकल उन्हां दा भी मैं इलैक्शन कह सकदा जां जिदा मर्जी, पर पुलिस का संजोग सानू नहीं मिलता। इस करके असी अपने ग्रुप वालों भी तो हूँ आई टी बी पी वालों भी जोर पावांगे, तो सानू रिक्वेस्ट हूँ पुलिस वालों फिर करांगे कि वो भी साडे नाल संजोग देन। इसी के साथ घर घर में बिक रही शराब को एक सरदार जी अपनी जेब से निकालते हैं और बड़े प्यार से बोतल के ऊपर लगा लेबल दिखाते हैं और तारीफ करते हैं कि ये सस्ते में मिल जाते हैं, जब चाहे जितनी ले लो, क्योंकि ये घर में बिक रही है। आपको बता दें कि ये सभी तस्वीरें अमृतसर के सुल्तानगढ़ गांव की है। वैसे तो पूरा पंजाब नशे की गिरफ्त में है, पर इस गांव में नशा इतना बढ़ चुका है कि हर नौजवान नशे की चपेट में है। अब जिससे पूछेंगे वह यही कहेगा, रोटी रहने दो लेकिन नशा जरूर दिला दो। इस गांव के लोगों की तरफ से काफी बार पुलिस को शिकायत भी की गई, लेकिन पुलिस अभी तक हरकत में नहीं आ रही। करीब 25 से ज्यादा नौजवान यहां पर नशे की वजह से मर चुके हैं। नशे के बरखिलाफ जी पंजाब पुलिस की मुहिम जारी है, साड़ी मुढ़ली ड्यूटी है, असं अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। सीनियर अफसर वालों भी सख्त हदायतें ने, तो साड़ी ड्यूटी भी बनती है। एक थाने सुल्तान मिंडल ने एक कल परचा दिता सी एंड सेंटर का, दो जने अज दिता है, तो जिते भी कितने सानू कोई शिकायत आती है जो इनफॉर्मेशन मिलती है प्रोपर कार्रवाई करते हैं। मेरी 10 दिन हो पोस्टिंग हुई नजे, मैं अपनी पोस्टिंग का कहना भी मैं जिते भी कोई इनफॉर्मेशन मिलती मैं जाना उ, मैं पुलिस पार्टी भेजदा। हूँ कोई शिकायत नहीं हैगी, पिंड वाले पहला भोज सकती है। तो वहीं पाई पपिंदर सिंह महल की टीम की तरफ से पूरी जद्दोजहद की जा रही है अपने इस गांव को नशे से मुक्त कराने की। इसी के साथ पुलिस का कहना है कि गांव में काफी नशा है और परेशानियां इसलिए आ रही हैं क्योंकि सारे गांव में नशा बिकता है। अब हम पूरे गांव को तो उठा नहीं सकते, इसलिए हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द इस गाँव से नशे को खत्म किया जाए। सुल्तानगंज से न्यूज के लिए अमित शर्मा की रिपोर्ट।